अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद यूसुफ, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अली यूसुफ ऑफिशियल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भेड़ पालन। भेड़ पालन की कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा और इसमें क्या फ़ायदा, अगर भेड़ पालन करते तो क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। किसी भाई ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल अली यूसुफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं आया हूँ चौहान सिर्फ फार्म पे। अभी आप देख सकते हैं जैसे भेड़ अभी बाहर से खेतों से चढ़कर यहाँ फार्म में आई हैं, तो अभी इनको फूस दिया जाएगा। तो जब भेड़ पालन, भेड़ जो है लगभग बाहर जो खेतों में जो चारा होता है या फिर जंगलों में उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। हाँ, एक वक्त ऐसा होता है सर्दी का मौसम जब खेती लगभग बह जाती है तो बाहर चराने के लिए जगह नहीं होती, तो उस वक्त हमको फार्म के अंदर रखकर ही इनको उस वक्त फूस, जैसे चने का फूस हो गया, ग्वार का फूस हो गया, ये सब दिया जाता है। और भेड़ पालने के फायदे भी हैं, अगर आप भेड़ की अच्छी देखभाल करते हो, टाइम पे इनको इंजेक्शन वगैरह देते हो, हर बीमारी से बचाते हो, तो भेड़ काफ़ी मुनाफा भी देती है। जैसे एक भेड़ लगभग एक साल में 3 से 4 बच्चे पैदा करती है, और एक भेड़ एक साल में लगभग 1 किलो, एक बार में 1 किलो ऊन हम इनसे ले सकते हैं। तो साल में 2 बार भेड़ की ऊन कटी जाती है, तो लगभग एक भेड़ एक साल में 2 किलो एवरेज ऊन हम एक भेड़ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यही भेड़ से इनकम का जरिया होता है, उनकी ऊन हो गई, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो एक साल में लगभग 3 से 4 बच्चे एक भेड़ देती है, तो ये इनका इनकम सोर्स हो गया। और इसके अलावा इसके कुछ नुकसान भी हैं, अगर हम इनके हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, टाइम पे इंजेक्शन इनको नहीं देते, अलग अलग बीमारी से नहीं बचाते, तो लगभग भेड़ में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इनमें एक में जब बीमारी आती है तो लगभग सभी भेड़ों में बीमारी आने लग जाती है, तो वही इसमें सबसे बड़ा नुकसान है। तो मैंने आपको इनका फायदा भी बताया और नुकसान भी बताया। और कोई भी भाई अगर भेड़ पालन शुरू करना चाहता है तो वो चाहे 1 कर सकता है, फिर 10 से भी कर सकता है, 100 से भी कर सकता है, जितना बड़ा काम करेंगे उतना बड़ा फायदा होगा, या फिर उन्हें बीमारी आ जाती है तो उतना बड़ा नुकसान भी। सहने की क्षमता होनी चाहिए जब भी भेड़ पालन करें। अगर किसी में नुकसान सहने की क्षमता अगर नहीं है तो फिर इस बिजनेस से दूरी बनाए रखें तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। और दोस्तों भेड़ पालन का प्लस पॉइंट यह भी है कि हम एक्स्ट्रा खाने का खर्चा इन पर नहीं करना पड़ता, जैसे बकरी पालन पर करना पड़ता है, उनके लिए लूंगा अनाज इन सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन भेड़ पर यह खर्चा हमारा बच जाता है। ये लगभग जो जंगल का चारा होता है उसी पर डिपेंड करती है। हाँ, साल के कुछ महीने होते हैं उस वक्त जरूर इनको फूस दिया जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको भेड़ के बारे में बताया, और ये जो आप देख रहे हैं ये है नर भेड़, इसको मिंडा भी कहते हैं, नर भेड़ भी कहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इनको तैयार किया जा रहा है कुर्बानी के लिए। जैसे जैसे बकरी बकरा ईद पास आएगी तो इनको फिर यहाँ से जम्मू कश्मीर की तरफ भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो मेंढा होता है उसकी ही कुर्बानी वहाँ पे लगभग लोग करते हैं, हमारी साइड तो बकरा ही चलता है राजस्थान, और जम्मू कश्मीर वहाँ पे लगभग लोग मेंढे को का गोश्त पसंद करते हैं, तो इनको कुर्बानी के लिए, इस बार की कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये है फायदा जो हमें होता है भेड़ से, बच्चे होते हैं भेड़ के, जो भेड़ जो फीमेल होती है भेड़, उसको तो भेड़ के रूप में तैयार किया जाता है पूरी होती है फिर, और जो मेल जो भेड़ का बच्चा होता है उसको कुर्बान, उसको तो बीच में सेल कर दिया जाता है, उसको जो अच्छी अच्छा होता है दिखने में, मजबूत ताकतवर लंबा तोड़ा होता है, उनको स्पेशल बकरीद के लिए तैयार किया जाता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो भेड़ के छोटे बच्चे हैं इनको राजस्थानी में इधर उड़निया कहा जाता है, जब भेड़ बाहर जंगलों में जाती है तो यह इनको अंदर ही रखा जाता है, अंदर ही इनको फूस वगैरह लौंग वगैरह पानी ये सब दिया जाता है, फिर ये अपनी माँओं के इंतजार में रहते हैं। अब देखो जैसे ही भेड़ यहाँ पे आई है तो कैसे अपनी माँओं को पुकारने लगे हैं। तो ये भेड़ की सबसे खास बात यही होती है, वो अपने बच्चे को अगर हजारों भेड़ तो उनके अंदर भी वो अपने बच्चे को आसानी से ढूंढ लेती है। तो ये देख सकते हैं अब भेड़ ने अपने बच्चे को ढूंढ लिया है और वह उनको उनका पेट भरने में लग गई है दूध पिलाकर। दिखाता हूँ हमारे यहाँ पे बकरा फार्म भी है, अभी आप इसमें देख सकते हैं लगभग सारे जो कुचामन नस्ल के बकरे हैं इनको अभी बकरा ईद के लिए स्पेशल तैयार किया जा रहा है। कुचामन नस्ल की जो भी नस्ल होती है वो हट्टी कट्टी नस्ल होती है, तो आप देख सकते हैं सभी बकरे जो भी एकदम से लंबे तगड़े बकरे हैं। तो किसी भाई को अगर बकरा ईद के ऊपर कुर्बानी के लिए बकरों की जरूरत है तो नीचे
चल रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। अल्लाह हाफिज़।